नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रक्षित टंडन। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन से पूर्व मंगलवार को विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में महिलाओं ने तल्लीताल कैंट में एच बालकृष्ण, राजपाल सिंह, नवनीत सिंह, आवेद कुमार आदि सैनिकों तथा तल्लीताल एसओ रोहताश सागर, शिवराज राणा, अमित कुमार, संतोष कुमार सहित मल्लीताल थाना में पुलिसकर्मियों की कलाई में राखी बांधी। विधायक सरिता आर्या ने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की रक्षा करने वाले फौजी व शहर की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी अपने परिजनों से दूर रहकर हम लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं और इतने बड़े पर्व राखी के मौके पर भी अपने परिजनों से दूर हैं। उनको अपनी की कमी महसूस ना हो, इसलिए हमारे द्वारा हर वर्ष रक्षाबंधन के मौके पर पूरे देश में रक्षा करने वाले सैनिकों व पुलिसकर्मियों की कलाइयों पर राखी बांधी जाती है। हमारी देश की रक्षा करते हैं तो हम सारी बहनों ने महिला मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर भाइयों को राखी बांधी है, उनकी सुरक्षा के लिए और इस देश के लिए जो लोग देश के लिए करते हैं, तो आज बहनों ने उनके लिए कामना की है कि हमारी जो देश की सुरक्षा करते हैं भाई सुरक्षित रहें और उनकी परिवार सुरक्षित रहे। तो यही कामना के साथ पूरा हमारे जितने भाई हैं, आज जितने फौजी भाई हैं यहाँ जो यूनिट है उनको हमने राखी बांधी है, उनको बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई देती हूँ जो घर नहीं जा सकते हैं। तो ये थी नैनीताल से हमारे संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।